तो वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल के मान एंड माय नेम इज कौशल। हम लोगों ने अब तक देखिए कैसा हम लोग मतलब किस तरीके से चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट आई मीन बीके को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसके बाद में हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने समझा। ठीक है, देखिए मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया हुआ था कि हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को पहले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्लियर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अच्छा अब किसकी बारी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, बैलेंस शीट, बराबर ना। तो चलो ठीक है, आज हम लोग की जो शुरुआत होने वाली है दैट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मैं टॉपिक को थोड़ा पहले अलग से लिख दूं। हमारा आज का टॉपिक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को सबसे पहले तो दो चीजें समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले तो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कौन होंगे और फिर उनका ताल्लुक कैपिटल से क्या होगा। अब देखो पार्टनर्स का हम लोग को मतलब पता है, पार्टनर्स का मतलब होता है कि जब एक या दो लोग मिल दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के जब कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पार्टनर्स बोला जाता है, पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट कैपिटल से लिंक्ड है। कैपिटल कैपिटल का मतलब हो जाता है एनीथिंग विच इज बीन इंट्रोड्यूस इन द फर्म। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड। ठीक है, कैपिटल मतलब यहां पर पार्टनर लोग फर्म में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। अच्छा, इसमें पॉइंट क्या है, पार्टनर्स अलग और पार्टनर्स का बिजनेस अलग, ये याद रखना। मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग, तुम अलग, तुम्हारा बिजनेस अलग, ये चीज क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर जब बिजनेस वो लोग शुरू करते हैं तो बिजनेस में अपने आप पैसा नहीं आएगा, बिजनेस में अपने आप गुड्स नहीं आएगा, बिजनेस में अपने आप चीजें नहीं आ जाएंगी, बिजनेस अपने आप थोड़ी ना कहीं प्रोडक्शन करना चालू कर देगा, बराबर है कि नहीं। तो हम लोग को ये पता है कि बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होता है, जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं। अगर हम लोग कोई कंपनी की बात करें तो वो प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, अगर हम लोग जाएंगे हम लोग बोलेंगे कि भाई ये मोबाइल बताना, तो मोबाइल कंपनी कंपनी का एक मोबाइल हम लोग परचेस करते हैं, राइट। वो किसी पर्सन का होता है वो कंपनी, लेकिन परचेस किससे कर रहे हैं हम लोग, वो पर्सन से परचेस कर रहे हैं नहीं, उसने जो बिजनेस शुरू किया है उस बिजनेस के नाम से हम लोग वो मोबाइल को परचेस करते हैं। समझ में आ रहा है, इस चीज को याद रखना। तो आप अलग, आपका बिजनेस अलग, यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पार्टनर अलग और पार्टनर का जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप फर्म अलग, दोनों चीज को हम लोग को रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करना। ओके, अच्छा अब सबसे पहले तो पार्टनर कैपिटल तो हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया। मेन अपना जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मेथड्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैपिटल, इसको मैं रब कर देता हूँ। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज मेथड्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैपिटल जो है इसका मतलब क्या है। देखो जब भी फॉर्म में पार्टनर्स के पैसे आते हैं, जब भी फॉर्म में पार्टनर्स के एसेट्स आते हैं, वो बिजनेस ले तो लेता है। ठीक है, अब वो बिजनेस को ये बताना पड़ता है कि भाई इस पार्टनर से ये आया, उस पार्टनर से वो आया, इस पार्टनर ने इतना पैसा दिया, उस पार्टनर ने इतना एसेट्स दिया, इस पार्टनर ने इतना गुड्स दिया, बराबर।
अब फर्म को क्या करना है, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, बराबर है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत क्या है, वो बिजनेस तो पार्टनर का ही है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया, पार्टनर अलग बिजनेस अलग, बिजनेस को खुद का चीज क्या क्या है वो बताना पड़ता है, पार्टनर से क्या क्या चीज मिला है वो भी बताना पड़ता है, बराबर है। अच्छा अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टनर कैपिटल, मतलब यहाँ पर जो बिजनेस कोई चीजें कर रहा है वो किस किसके बदौलत हो रहा है, पार्टनर से बदौलत हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर का पूरा पूरा हक है इन सारी चीजों के ऊपर, है कि नहीं। जब पार्टनर का हक है इन सारी चीजों के ऊपर, तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को जाओ तो बिजनेस में पार्टनर का पैसा आया, बिजनेस में पार्टनर्स के गुड्स आए, बिजनेस में पार्टनर्स के एसेट्स आए, मतलब वो बिजनेस का नहीं है, वो पार्टनर का है। और अगर वो चीज़ पार्टनर का है, बिजनेस भले उसको यूज कर रहा है, उसकी कीमत बिजनेस को चुकानी पड़ेगी, बराबर है। और जब भी कोई चीज की कीमत पर्सन को चुकानी पड़ती है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उसके ऊपर कर्ज था, बराबर है। इसका मतलब ये है कि यू शुड सी दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लायबिलिटी व्यू, बराबर है। आप लोग का व्यू इस कॉन्सेप्ट में कैसा होना चाहिए कि आप लोग इस चीज को लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बराबर है। आप लोग को ये समझना है कि अभी भी हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट इसमें आप पढ़ने वाले हैं आज, वो बिजनेस फॉर्म के लिए एक टाइप का लायबिलिटी, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ये लायबिलिटी होगा, बराबर है। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग को लायबिलिटी देखना है, ये ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, कहीं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यू टर्न भी लेता है, वो मैं आप लोगों को क्लियर कट एक्सप्लेन कर दूंगा। पॉइंट क्या है, कितने टाइप ऑफ मेथड्स हम लोग को यहाँ पर पढ़ने हैं, तो दैट इज टू टाइप्स, ठीक है। दो टाइप का मेथड हम लोगों को कैपिटल से रिलेटेड पढ़ना है। सबसे पहला विल बी योर फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल बताता हूँ मैं वो चीज़। दूसरा जो होगा दैट विल योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को। एक बार ये तुमको समझ में आ गया, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर क्या हमारे सिलेबस में ये दोनों मेथड टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं? यस ऑफकोर्स है। एक पॉइंट पर ऐसा भी आएगा कि आपको सम्स आएंगे, आपको उसमें नहीं लिख के बताया गया होगा कि इस सम को इस मेथड से सॉल्व करो, उस सम को उस मेथड से सॉल्व करो, ऐसे नहीं बताया गया होगा। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, समझ में आ गया। इतना टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट पर आ जाता हूँ, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल जो आपका रहेगा, ठीक है, वो सेपरेट मेंटेन करना है, और पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी वो सेपरेट मेंटेन करना है। मतलब क्या है, फिक्स्ड में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने वाला है वो अलग, ठीक है, और उसके साथ साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनने वाला है वो अलग, समझ में आ गया। फ्लक्चुएटिंग में क्या बनेगा वो मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में बताऊंगा। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा अब देखो, मैं चीज़ों को बहुत सिंपल वे में बता करके, बहुत सिंपल वे मतलब डायरेक्ट मेथड में बता करके ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझको इसका पूरा का पूरा थ्योरी समझाना है, पूरा का पूरा थ्योरी समझाना है। आराम से समझने की कोशिश करो, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर ये थ्योरीज आप लोग नहीं समझोगे आज, तो भैया कूद के पार हो जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कितनी भी बड़ी छलांग लगा लेना, गिरोगे खड्डे में, ठीक है। तो इस चीज़ को बराबर समझने की कोशिश करना, जो तुम्हारा फ्यूचर क्लियर कर सकता है, संवार सकता है, बराबर है कि नहीं। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखे हुए हैं जिन लोगों ने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया, एग्ज़ाम के बराबर एक आध महीने पहले पढ़ते हैं, पास होकर के निकल जाते हैं, मज़ा आ जाता है उनको, पास हो गया।
लेकिन जब उसके आगे जब पढ़ते हैं, जब डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर उनकी हालत ख़राब हो जाती है, बराबर है। डिग्री कॉलेजेस में थोड़े फास्ट वे से लेक्चर्स कंडक्ट किया जाता है, टाइम कम होता है, पोर्शन ज़्यादा होता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, इंटरनल्स कंडक्ट करना, अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता, बराबर है। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाता है कि भाई कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जॉब वगैरह पे लग जाते हैं, जास्ती टाइम नहीं दे पाते, और जब एग्ज़ाम के बराबर एक महीने पहले जब वो लोग बुक उठाते हैं, खासकर अकाउंटेंसी, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आते कि कैसे हुआ, क्यों, बेसिक ही क्लियर नहीं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 11th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स हैं जो आप लोग को इसी हॉलीडेज में क्लियर करने हैं, अगर वो क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर नहीं होगा, अगर ये क्लियर नहीं होगा, आगे ये कॉन्सेप्ट पूरा ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। अब भी टाइम है आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, ठीक है, जिसका एक लिंक यहाँ पर है। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फाइनल अकाउंट आप लोगों का पूरा लेक्चर रिलेटेड है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अलग लेकर के जाता हूँ, इसमें सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार तुमको जर्नल एंट्रीज आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसके बाद हम लोग लेजेस में जाएंगे, लेजेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, खत्म, बराबर है। चलो ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब हम लोग को जर्नल एंट्री समझना है, जर्नल एंट्रीज के लिए होते हैं स्टेटमेंट्स, तो कितने अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे वो पहले देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल। इसमें आप लोगों को सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो रहेगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। एक ये चीज, सेकेंड सेम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म या बाय द पार्टनर, वन इन द सेम फॉर्म में इंट्रोड्यूस कौन करेगा, पार्टनर ही तो इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ भी चीज़ अगर बिजनेस में आने वाला है वो पार्टनर्स होगी लेकर के आएंगे, बराबर है। बिजनेस के पास हाथ पैर जो है नहीं, खुद से जाकर के लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल नाम से रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो पार्टनर्स होगी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, बराबर है। इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। लास्ट सर खत्म हो गया क्या, अरे इसमें तीन है, इसमें बता रहा हूं, ठीक है। कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर ऑफ द फॉर्म, बराबर। ये है तुम्हारा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ओके। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर आने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस है कैश गुड्स और एसेट्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया स्टेटमेंट। अभी देखो ये स्टेटमेंट है, इसके बाद में हम लोग पहले लेजर जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोगों को जर्नल नहीं आ जाएगा कुछ खास मतलब नहीं है कॉन्सेप्ट का। चलो ठीक है, सेकंड इंटरेस्ट
on drawings. Charged by the firm on partners. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फॉर्म. ठीक है, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है लेकिन लेकिन है थोड़ा सा अलग. सैलरी कमीशन रेंट इंटरेस्ट सैलरी कमीशन रेंट इंटरेस्ट टू पार्टनर्स. Payable to partners by the firm. सर और कितना है? हो गया. एक और चीज है वो मैं आप लोगों को जैसे ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा या तो फिर लिखा दूंगा, बाद में देखते हैं वो चीज. ये तीन ये चार इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना. सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है भाई, ये होता क्या है. देखो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन दिस फर्म इन द फॉर्म ऑफ कैश. सबसे पहले तो कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर है. अच्छा, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. आपको अपना व्यू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है. आपको ये नहीं सोचना है कि आप पार्टनर हो, आपको ये सोचना है कि आप बिजनेस, आप फर्म हो, बराबर है. चलो ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि आप कंपनी हो, आप फर्म हो, आप बिजनेस हो, तो सोचो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म. अगर मैं बिजनेस हूँ तो एडिशनल कैपिटल आया ना, पैसा आया कि नहीं आया? आया, बराबर. अगर कभी भी पैसा आता है बिजनेस में जब भी पैसा आता है, हमारा एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है. अच्छा, नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है उसको क्रेडिट करना है. अच्छा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फर्म बाय द पार्टनर्स, चलो वो भी लिख देता हूँ मैं, बाय पार्टनर्स, बराबर है. अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फर्म बाय द पार्टनर्स. अब कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है भाई? पार्टनर्स. क्या, अच्छा, क्या नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? मैंने बोला था ना 11th स्टैंडर्ड के जनरल एंट्रेंस को अच्छे से समझना, बोला था कि नहीं? आज भी वक्त है, इसके बाद में आप लोगों को एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, बराबर है कि नहीं? ये सारा इशू ऑफ शेयर आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, सारे के सारे चैप्टर आप लोगों के जनरल एंट्री से रिलेटेड हैं. अगर आज नहीं तुम लोग जनरल एंट्री सीख के लिए देख लो, सोचो इस ये चैप्टर लेक्चर वाला है तब भी यहाँ पर जर्नल आ गया. ठीक है, अगर ये जर्नल वाला होता तो कितने सारे जर्नल आते हैं. इसके बाद में हम लोग इस चैप्टर में कभी ये नहीं देखेंगे, कसम से नहीं देखेंगे कभी, लेकिन अब जरूरत है, देखना पड़ेगा, बराबर. कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या बताया मैंने? पैसा जब आता है बिजनेस में तो आने वाला पैसा अपना पैसा मान के हमको कैश को डेबिट करना होता है, राइट. अच्छा, दूसरा कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना. पार्टनर्स कौन सा अकाउंट होते हैं? रियल नॉमिनल पर्सन, क्रेडिट द गिवर. ऑन द क्लियर? चलो आगे. अब देखो दोनों सेम ही तो है, यहाँ कैश आया, सुनो ना, यहाँ कैश आया, यहाँ एसेट आया, यहाँ एसेट आया, एंट्री सेम होगा. क्या एंट्री होगा? एसेट अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट
पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। चलो ठीक है सर, पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म, जा रहा है रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री, ठीक है। पैसा गया, कौन लेके गया? डेबिट द रिसीवर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पैसा गया कैश या बैंक अकाउंट, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैश या बैंक, ठीक है, कैश या बैंक या कैश डिपेंड, कैश आ रहा है कैश, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चेक आ रहा है बैंक, नो इश्यूज, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है? देखो कैपिटल अकाउंट जो होता है ये फिक्स्ड कैपिटल में, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये दो टाइप के अकाउंट होते हैं। कैपिटल में हम लोग को ये तीन तीन कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही कैपिटल में हम लोग को अकाउंट एंट्री पास करनी है। हम लोग कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर तलाश नहीं देंगे ज़्यादा, समझ में आ रहा है? अगर समझो इन तीन से रिलेटेड अगर कोई भी एंट्री आता है तो वो हम लोग को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। अगर इन तीन में से इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री पास होती है, ठीक है, अगर मान लो तो आप लोगों को सेंटेंस में दिख गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में नहीं पास करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको यहाँ रिकॉर्ड करना होगा, है कि नहीं। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, फिर मैं लेजर बता दूंगा, एकदम चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। चलो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या दिया है? कैश गुड्स और एसेट विड्रॉन बाय पार्टनर। सर देखो यहाँ पर भी सेम है, कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर ऑफ द फर्म, हाँ सेंटेंस अब तक सेम है, लेकिन जो लास्ट का जो दो तीन वर्ड आया ना वो पूरा का पूरा सेंटेंस को चेंज कर देता है। कैश गुड्स एसेट विड्रॉन बाय द पार्टनर और पर्सनल यूज आ गया, तुम बिजनेस के लिए नहीं यूज कर रहे हो, तुम खुद के लिए, स्व के लिए, स्वार्थ है तुम्हारा, कोई भी चीज रहने दो, पर्सनल यूज का दूसरा नाम क्या है? पर्सनल यूज का दूसरा नाम है ड्राइंग। डर रहे हो क्या? चलो ठीक, कैश गुड्स और एसेट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अच्छा इसमें दो जगह एंट्री आएगी सर, आपको कैसे समझ में आया? दो जगह एंट्री आएगी, सबसे पहला ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू विड्रॉन बाय द पार्टनर। क्या 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 विड्रॉ हुआ? कैश और गुड्स और एसेट अकाउंट, बराबर, ठीक है, गया ना। ये क्या है? ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर कि नहीं। चलो ठीक, ये एक, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अच्छा चलो, ये एंट्री तो हम लोग ने चार्ज किया कि क्या जा रहा है, किसके वजह से जा रहा है, कौन लेके जा रहा है भाई, वहां पर भी तो एंट्री पास करना पड़ेगा, है कि नहीं। कौन लेके जा रहा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट लेके जा रहे हैं। सर कैपिटल क्यों नहीं आएगा? अरे भाई बताया ना, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल वाली चीज़ें अलग हो जाएंगी, कैपिटल वाली चीज़ें जो नहीं है वो अलग हो जाएंगी। सर ये कैपिटल क्यों नहीं है? यहाँ पर कहाँ पर बताया जा रहा है कि कैपिटल से लिंक है चीज़ें? नहीं बताया जा रहा है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, बात ख़त्म करो, है कि नहीं। अगर कैपिटल बताया गया होता तो हम लोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ता, यहाँ पर कहीं पर नहीं बताया गया, बराबर है। और पार्टनर्स सीधा सीधा दिया हुआ है, चीज़ें करंट, कैपिटल अकाउंट में हम लोग यहाँ पर त्रास नहीं देंगे, सिर्फ ये तीन चीज़ से रिलेटेड, दैट्स इट, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, टू यहाँ डेबिट में था, यहाँ क्रेडिट कर दो, काम खत्म, राइट। चलो
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज बाय द फर्म। अच्छा, पहला वाला मतलब क्या है? पार्टनर खुद के लिए चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं फर्म से। अरे भाई, खुद के लिए लेके जा रहे हो ना, कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम खुद के पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हो। बराबर है कि नहीं? हाँ, चलो ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए। देखो, तुम बिजनेस क्या बोलता है, तुम पार्टनर लोग बिजनेस में पैसा डालते हो तो उसका ब्याज लेते हो। बराबर है कि नहीं? अच्छा, तो तुमने बिजनेस में डाल दिया, वो मेरा हो गया, मैं आपकी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको ब्याज दूंगा। अगर आप मेरी चीज़ों को लेके जाते हो, आपने मुझको दिया, ब्याज ले रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। मेरी चीज़ें अगर लेकर जा रहे हो, मुझको ब्याज नहीं चाहिए क्या? दो ब्याज, दो ब्याज, दो ब्याज, दो है कि नहीं? चलो, पहला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज बाय द फर्म है कि नहीं? पहले तो चार्ज कर रहा है फर्म पार्टनर से, पार्टनर से, तो इसका एंट्री है, पहले आने वाला है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? इंटरेस्ट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट, वो क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम है कि नहीं? चलो ठीक है। सेकंड क्या होगा? अरे भाई, तुमको ब्याज मिल रहा है, तुमको ब्याज आ रहा है कि नहीं? एक तरीके से तुम्हारा खर्च कम हो रहा है। सर ये इनकम भी तो होता है। अरे भाई, बहुत मारो, इनकम नहीं होता ये, इसको इनकम मत काउंट करना। बराबर है? क्या तुम्हारा वो बिजनेस है कि तुम जो भी चीज़ें हैं वो पार्टनर को दे रहे हो, जाओ और उसका ब्याज दो, हमारी कमाई यही होगी? कोई बिजनेस का कमाई ये होता है कि पार्टनर्स लोग जो चीज़ लेकर के जा रहे हैं उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है, भाई बिजनेस से यही कमाई है? तुम कभी ऐसा बिजनेस कर पाओगे कि तुम अपने बिजनेस में से विड्रॉ करोगे और ब्याज दोगे, तुम्हारा बिजनेस का कमाई वो होगा? नहीं, ये कमाई नहीं होता। दूसरा व्यू से सोचो, ये वो कॉन्सेप्ट होता है जो तुम्हारे खर्चे को कम करता है, जो तुम्हारे खर्चे को कम करता है कि नहीं? सर उसका दूसरा मतलब तो यही हो गया, चाहे जैसे सोच लो, ये कभी भी बिजनेस का इनकम नहीं माना जाएगा। बराबर है? भले अभी आप लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में इसको इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लेकिन असलियत क्या है? कुछ और है कि नहीं? चलो ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक साइड से कमाई है, अगर कमाई की बात हो रही है तो इसका लिंक किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा है कि नहीं? ब्याज आ रहा है, प्रॉफिट है कि नहीं? चलो ठीक है। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आप लोगों को बताया है, कोविड वाला इनकम, क्रेडिट साइड वाला इनकम। तो एंट्री कैसे पास होगा यहाँ पर? एंट्री कैसे पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर? चलो ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म। ये देखो, पार्टनर अगर बिजनेस में से कोई चीज़ें लेकर के जा रहा है, बिजनेस बोलता है ब्याज दे, पार्टनर बोलेगा मैंने भी तेरे को कुछ चीज़ें दी है ना, चल ब्याज दे, है कि नहीं? अब यहाँ पर बिजनेस बकरा बन रहा है, हाँ, अब बिजनेस को यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था? पहले चार्ज करना, फिर उसको ट्रांसफ़र करना। बराबर है? यहाँ पर भी चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे कर रहा है, ठीक है? तो पहले रिकॉर्ड करो, पेमेंट का रिकॉर्ड करो। एंट्री क्या आएगा इसका? उल्टा रिवर्स एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डन। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इसको, है कि नहीं? ओके, चलो। ट्रांसफर करने का एंट्री क्या आ जाएगा? रिवर्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है ना भाई, बिजनेस क्या कर रहा है? ब्याज दे रहा है, लॉस हो गया बिजनेस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कैसे होगा? अरे प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा है? रियल नहीं, नॉमिनल अकाउंट है।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस है ना तुम्हारा, लॉस है कि नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर सैलरी कमीशन रेंट इंटरेस्ट टू पार्टनर्स पेबल टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन रेंट इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स बाय द फर्म, ये सारा चीज बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर्स को, है कि नहीं? इसमें भी दो एंट्री आना है, इसमें भी दो एंट्री आएगा, पहले चार्ज का और फिर उसके बाद में भाई ये प्रॉफिट है या लॉस है। सर सबका लिंक कैसे हो रहा है? अरे होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कैश से रिलेटेड है कि नहीं? हाँ चलो सर, यहाँ पर क्यों नहीं? अरे भाई ये पर्सनल यूज था, देखो आया ना कैश, है कि नहीं? ये जब तुम पे करते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस लिंक होता है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है। सैलरी कमीशन रेंट इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर बाय द फर्म, पहला एंट्री क्या आएगा इसका? सैलरी टू पार्टनर्स, और कमीशन सैलरी अकाउंट, मान के चलो सैलरी अकाउंट कमीशन अकाउंट। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, जो भी है, रेंट इंटरेस्ट टू पार्टनर, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, करंट अकाउंट, बराबर है? तो देखो ये हो गया, ये हो गया, सब वन इन द सेम। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, ये एंट्री पास करो, सैलरी टू पार्टनर, मतलब देखो क्या है, बिजनेस से चीजें जा रही है, बिजनेस से चीजें जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया, पार्टनर क्रेडिट, ये भी पैसे जा रही है, ये भी जा रही है, तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, अगर ये क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, बराबर है कि नहीं? चलो ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या आएगा? सिंपल, लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, ठीक हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो ठीक। सर आप बोल रहे थे और भी कुछ आने वाला है इसके अंदर, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है कि नहीं? सर नेट प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, लास्ट में मैंने बताया था नेट प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड में, उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, हाँ वो भी आएगा, लेकिन चलो उसका हम लोग जनरल एंट्री पास नहीं करते। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि तुम लोगों को ये चीज़ें पहले तो बेसिकली समझ में आनी चाहिए थी कि भाई कौन सा चीज़ क्या होता है कि नहीं? एक बार ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर। सर इसमें क्या है अभी बता दो ना, रुको ना, पहले लेज़र तो समझने की कोशिश करते हैं, रुको तो पहले इसका लेज़र तो समझने की कोशिश करेंगे, एक बार इसका हम लोग लेज़र बना लेंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा इजी हो जाएगा, है कि नहीं? चलो ठीक है, लेज़र बनाने के लिए स्पेस की थोड़ी कमी। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, इसको रब कर देता हूँ, यहीं पर मैं लेक्चर बनवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब लेक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा लेक्चर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके?
चलो ठीक है, इसका मिडिल जो होगा एक एक पॉइंट से समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट मान के चलो ओके। अच्छा अब देखो भाई, पार्टनर्स कैपिटल है हाँ, अगर ये पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है तो कौन पॉइंट क्या है, पार्टनर लाएंगे ना इसके अंदर हाँ। चलो ठीक है, तो पार्टनर्स का हम लोगों को यहाँ पर दो कॉलम बनाना पड़ेगा, मान के चलते हैं कि दो पार्टनर्स ठीक है, दो पार्टनर। अच्छा इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये है रुपीस, ये है रुपीस पर्टिकुलर्स, ये है रुपीस, ये भी रुपीस, बात बराबर। अच्छा पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, तो हम लोग मान के चलते हैं एक एक्स है एक वाई है, ये एक्स है ये वाई है हाँ। एक चीज क्या भूल गए हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या भूल गए, ये साइड डेबिट रिकॉर्ड, ये साइड क्रेडिट रिकॉर्ड हाँ, पार्टनर्स कैपिटल में भी दिखेगा ठीक है। अच्छा चलो शुरू करते हैं फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हम लोग, इसको एकदम छोटे में कंप्लीट कर देते हैं हाँ। देखो सबसे पहला कैपिटल अकाउंट आप लोग का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को जाएंगे तो एक टाइप का ये लायबिलिटी है, और ये एक चीज याद रखना, लायबिलिटी जब भी बढ़ता है ठीक है, वो जो लायबिलिटी बढ़ रहा है ना उसको हम लोग नॉर्मली क्रेडिट करते हैं ठीक है, लायबिलिटी जब भी बढ़ता है हम लोग नॉर्मली उसको क्रेडिट करते हैं राइट। चलो ठीक है, लाइब्रेरी जब भी बढ़ता है हम लोग क्रेडिट करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर तो उसका कोई ये नहीं है, एग्जांपल नहीं है, बट एक टाइम पर एग्जांपल आएगा तो मैं एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को बता दूंगा। अगर लाइब्रेरी बढ़ने की वजह से वो चीज़ें क्रेडिट होती है तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड में ही होगा ठीक है। चलो ठीक है, तो ये दिखेगा आप लोग को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है, ब्रॉट डाउन। अच्छा अगर ये तुम्हारा ओपनिंग है तो क्लोजिंग क्या होगा भाई, क्रेडिट डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन राइट, ऑन द क्लियर। चलो ठीक है नेक्स्ट, अब ये सारे एंट्रीज हम लोग को पास करने हैं, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में है, हम लोग क्रेडिट में आ जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या बाय हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट ठीक है, जिसने भी विड्रॉ किया उसके नाम पर हम लोग का अमाउंट लिख देना है राइट। सेम विद दिस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आकर के बाय एसेट अकाउंट ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाकर के टू कैश बैंक अकाउंट, कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है। अच्छा देखो अब मैंने ये पहले लिखवा दिया तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया यहाँ पर ठीक है। चलो इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे, क्लोज कर लो, इतना ही रहने वाला है ठीक है, इतना ही होने वाला है ओके। अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप लोग का करंट अकाउंट भी एकदम सेम सिमिलर दिखेगा, जैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वैसे तुम्हारा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिखेगा ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग को नाम, पार्टनर का नाम नहीं लिखना है ठीक है ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस ओके। पार्टनर्स के नाम क्या है,
सेम आ जाएंगे, पार्टनर चेंज नहीं होगा, पार्ट सेम होगा, ठीक है। ये भी x, ये y, x y, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट है, आप लोग को क्वेश्चन में करंट अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया होगा, बराबर, मतलब इसका खुद का एक ओपनिंग आने वाला है, ठीक है। तो ये भी इसी साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका भी बैलेंस यहां पर, तो क्लोजिंग इस साइड में, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग एक एक एंट्री पास कर लेते हैं। अब देखो जहां जहां पर पार्टनर करंट अकाउंट है वही चीज तो यहां पर दिखेगी, है कि नहीं। अब इसमें पार्टनर करंट अकाउंट है ही नहीं, इसको हम लोग पास ही नहीं करेंगे। क्या क्या चीज पास नहीं करेंगे, ये नहीं पास होगा, ये पास नहीं होगा, ठीक है, फिर ये पास नहीं होगा, और फिर ये पास नहीं होगा, मतलब ये चार चीजें हम लोग को यहाँ पर दिखने वाली, ठीक है। तो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग पार्टनर करंट के डेबिट में आकर के बाय ड्रॉइंग्स, तो टू ड्रॉइंग्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर विड्रॉ करेगा उसके इसमें अमाउंट आएगा, जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर लोग विड्रॉ करें, अगर एक्स ने विड्रॉ किया है तो एक्स में अमाउंट दिखने वाला है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट में डेबिट में आकर के टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल है ना, पार्टनर करंट के क्रेडिट में जाकर के बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर सेम पार्टनर्स क्रेडिट में जाकर के बाय सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर मतलब सैलरी टू ए या सैलरी टू बी, जो भी है, अगर एक्स रहेगा तो एक्स में आएगा, वाई रहेगा तो वाई में आएगा, ठीक है। सेम बाय कमीशन, बाय कमीशन टू पार्टनर, बाय रेंट टू पार्टनर, बाय इंटरेस्ट टू पार्टनर, जो भी चीज आएगा, जो भी तुम्हारे साइड से जाने वाला है वही है, समझ में आ रहा है, वही तरफ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ने एक चीज मिस आउट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में हम लोग को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ रहा था, हाँ 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 आ रहा था ना, वो चीज को यहाँ लेके आएंगे। सर यहाँ क्यों नहीं, मैंने बताया ना, कैपिटल अकाउंट को हम लोग तब छेड़ेंगे जब कैपिटल से रिलेटेड कोई चीजें आएंगी, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग में देखते हैं कैश, ठीक है। अच्छा तो नेट प्रॉफिट कैपिटल से रिलेटेड है नहीं, हम लोग को यहाँ पर लेके आना है। अब देखो याद करो, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आया था, है ना, अब जब ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर में रेशियो के हिसाब से बढ़ता है पैसा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जब तुम लोग रहोगे नेट प्रॉफिट आएगा तो तुम लोग को पार्टनर्स के रेशियोज दिए रहेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, उस रेशियो के हिसाब से हम लोग को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर अगर नेट लॉस आया तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्रेडिट में था, यहाँ पर डेबिट में आएगा, क्या टेंशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या टेंशन, सिंपल है, नेट लॉस डन। चलो ठीक है, टैली कर लो इसको, टैली करते वक्त अमाउंट यहाँ दिखेगा, अगर ज्यादा है तो यहाँ दिखेगा, ठीक है, हाँ बैलेंस बच जाएगा, है कि नहीं। अब ये बैलेंस ट्रांसफर कहाँ पर होगा, हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरेज, ये ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रांसफर होगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। चलो ठीक है, अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट हम लोग एंड करते हैं,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट सिंपल है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए ठीक है। अब एक बार अगर हम लोग को फिक्स्ड समझ में आ गया, फ्लक्चुएटिंग में दम ही नहीं सर, ऐसे कैसे फिक्स्ड इतना बड़ा है, फ्लक्चुएटिंग है भाई सर, फ्लक्चुएटिंग तो एक जगह पे टिकता ही नहीं है। हाँ, एक बार फिक्स्ड समझ में आ गया ना, फ्लक्चुएटिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम लोग ने स्थिरता को समझ लिया तो भाई यहाँ वहाँ होने वाले तो अपने काबू में, ऊपर जाएंगे फिर नीचे ही आएंगे, है कि नहीं? चलिए ठीक। बट ये कॉन्सेप्ट जो है ऊपर और नीचे वाला, यहाँ पर लागू नहीं होता है। देखो क्या, फिक्स्ड का मतलब क्या था, कैपिटल वाला कैपिटल में, बाकी दुनियादारी यहाँ, फ्लक्चुएटिंग कोई कहीं भी जा सकता है, एक ही में कर दो, इतना सिंपल है। देखो अब हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट, सीधे फॉर्मेट पे आते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, चलो फॉर्मेट बना देता हूं। ओके चलो, मिडिल क्या है इसका, ये है दो पार्टनर्स, ओके चलो, इधर क्या था डेबिट, इधर क्या है क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट नहीं होगा, अब करंट अकाउंट नहीं होगा, करंट अकाउंट खत्म हो गया, फ्लक्चुएटिंग है, सिर्फ पार्टनर कैपिटल हो। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे इस साइड में, ये क्या हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, रुपीस रुपीस पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, हाँ अच्छा, वहाँ पर पार्टनर्स थे, यहाँ पर भी वही होंगे, एक्स वाई, एक्स और वाई, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा यही चीज है। देखो ओपनिंग बैलेंस इस साइड में था, मैं सेम ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा यहाँ पर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या था, बाय कैश, लिख दो बाय कैश। अच्छा ये कौन सा कैश है, आने वाला है ना, इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ओके चलो ठीक, दोनों पार्टनर के इसमें, बाद में क्या है बाय एसेट, एसेट अकाउंट लिख लो, दोनों पार्टनर के इसमें, कोई भी पार्टनर इंट्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पर क्या है टू कैश, मतलब कैश गया है टू कैश या बैंक, जो भी, ठीक है, पैसा गया है, टू कैश मतलब पैसा गया, कौन लेके गया भाई, विड्रॉन बाय पार्टनर, ओके अच्छा ये हो गया खत्म। अच्छा यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट डाउन आया था, अब ये नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों अकाउंट अब तुम्हारे एक ही हो गए, है ना, तो डायरेक्टली लास्ट में क्रेडिट डाउन आएगा, ओके चलो। अब कौन सा ये टारगेट करें, हाँ यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट क्या है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, चलो ठीक। फिर इसके बाद में इस तरफ क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर नेक्स्ट क्या है बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय सैलरी टू पार्टनर, सर पार्टनर सैलरी लिखेंगे चलेगा क्या, कुछ भी लिखो भाई, बात वही, सैलरी टू पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर को सैलरी दे रहा है, पार्टनर सैलरी, बात तो वही हो गया ठीक। नेक्स्ट बाय कमीशन, बाय पार्टनर कमीशन, बाय कमीशन टू पार्टनर, है वही बात,
अमिटन टू पार्टनर, फिर रेंट टू पार्टनर, सब इतना तुम दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या फिर क्या है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट, वहां पर नेट लॉस, बाय बाय क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या होगा आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेट लॉस, मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, नेट लॉस, अमाउंट से। सर इसको रब क्यों नहीं कर दिए, इसी वजह से रब नहीं किया था जो अब मैं बोलने वाला हूं। आप लोगों को लग रहा है सब खत्म हो गया, क्यों खत्म कर भी देते, ठीक है, बैलेंस यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यही वाला बैलेंस यहां लिखेंगे, और फिर लास्ट में तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, लास्ट में तुम्हारा क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, बात बराबर ना। अच्छा यहां पर लिख लेंगे, क्यों यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये ज्यादा हो सकता है ना। अच्छा ये कहां ट्रांसफर होने वाला है, ये कहां ट्रांसफर होने वाला है, ट्रांसफर टू लाइबिलिटीज, है कि नहीं, ट्रांसफर टू लाइबिलिटीज। मैंने क्या बताया था, कैपिटल एक टाइप का कर्ज है बिजनेस के लिए, तो वो एक लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी का ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग यहाँ, तो ये भी तो लाइबिलिटी में जाएगा, है कि नहीं। अगर तुम्हारा ये ज्यादा है तब क्या करोगे, तब क्या करोगे सर, यहाँ पर तो आपने नहीं बताया, नहीं बताया इसका मतलब क्या, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी तो वो आ सकता है, दोनों साइड आ सकता है भाई, चाहे जो मेथड का कैपिटल आपको बोला गया हो, दोनों साइड आ सकता है कि नहीं। अगर तुम्हारा ये ज्यादा आएगा तो इसके टोटल को यहाँ लिखोगे, फिर इसके टोटल को यहाँ लिख करके जो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो भी तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन ही होगा, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन इसको तुम ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू एसेट्स, एसेट साइड ट्रांसफर करना होगा भाई, हाँ नहीं समझ में आ रहा है, समझना पड़ेगा, अधिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या बता रहा था सर, ये कैसे होगा, अधिक जानकारी के लिए आने वाले लेक्चर्स को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी टॉपिक के बारे में बताएं, उनसे भी शेयर करें, उनको भी बोले लाइक करने के लिए, हाँ ग्रो करो, ग्रो करो, नॉलेज बांटने से बढ़ता है कि नहीं, आप भी अपने फ्रेंड से नॉलेज बांटो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, डन है हमारा कॉन्सेप्ट, इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने बुक के फॉर्मेट में इसको कंप्लीट करके रखना, कल के दिन हम लोग सम्स करेंगे और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप जनरेटिंग द नॉलेज एंड कीप ग्रोइंग, थैंक यू वेरी मच।